नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस का सेकंड लेक्चर है। आपके वेक्टर स्पेस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दो डेफिनेशंस का स्टडी हुई थी। कौन कौन सी थी डेफिनेशन? एक तो थी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और दूसरी थी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हमने अध्ययन किया था वेक्टर स्पेस होता क्या है, मतलब डेफिनेशंस के बारे में कि वेक्टर स्पेस किन किन सेट से मिलकर बना होता है, किन किन बाइनरी ऑपरेशंस का पालन होता है, किन किन प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई करता है वेक्टर स्पेस। तो कल हमने कंप्लीट कर ली थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, बट इसको एक बार आपको क्या नाम से रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि इस पर डिपेंड होने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं या आगे जो भी थ्योरम्स आएंगे उन सबको आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो भाई, आपने एक सेट लिया V जो कि कैसा समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। नॉन एम्प्टी है तो आप कह सकते हो कि V के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, एक या एक से अधिक। तथा आपने एक और सेट लिया F, आपने एक और सेट F लिया, वो भी कैसा सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। लेकिन इस F की खासियत है, इसमें कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, इस F में कम से कम एलिमेंट होने चाहिए दो या फिर दो से अधिक। और सेट F है उस पर आपने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, सेट F पर आपने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, प्लस और डॉट। ये इन बाइनरी ऑपरेशन प्लस व डॉट के साथ ये जो सेट F है ये किसका निर्माण कर रहा है, फील्ड का निर्माण कर रहा है या क्षेत्र का निर्माण। कोई भी सेट किन्हीं भी दो बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष फील्ड कहलाता है, कोई भी सेट किन्हीं भी दो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ फील्ड कहलाता है यदि वह निम्न प्रॉपर्टी का पालन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेट दिया गया है वो प्लस और डॉट ऑपरेशन, मतलब जो भी दो ऑपरेशन दिए गए हैं बाइनरी ऑपरेशन उनके सापेक्ष क्या हो, रिंग। दूसरा उस जो कंडीशन है उसमें क्या है कि सेट आपको जो एफ दिया गया है उस सेट एफ में डॉट के सापेक्ष आपको क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव। और थर्ड कंडीशन है आपकी कि सेट एफ में डॉट के सापेक्ष प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। क्षेत्र क्या कहलाता है, कोई भी सेट किन्हीं भी दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ क्षेत्र कहलाएगा यदि ये निम्न कंडीशंस का पालन करे। फर्स्ट कि एफ प्लस डॉट तो क्या हो, एफ प्लस डॉट होना चाहिए वल है, ठीक है। और सेकेंड एफ में डॉट के सापेक्ष, एफ में डॉट के सापेक्ष किसका अस्तित्व होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। और थर्ड एफ में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का, एफ में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या विद्यमान होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए इनवर्स, और वो भी किस में होना चाहिए, एफ में। और किस प्रकार से होना चाहिए कि ए डॉट ए इनवर्स बराबर वन बराबर ए इनवर्स डॉट ए। यहाँ पे ए इनवर्स क्या कहलाता है, यहाँ पे ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव और वन क्या कहलाता है, डॉट का तत्समक अवयव, ठीक है। तो एफ प्लस डॉट क्या है, क्षेत्र। अब देखो आपने जो सेट लिया है उस सेट में आपने जो सेट वी लिया है उस सेट पे आपने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, लेकिन दोनों बाइनरी ऑपरेशन सेम नहीं है, दोनों जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम नहीं है। यहाँ पे जो प्लस ऑपरेशन है वो तो है आपका कौन सा ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और डॉट है वो क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है भाई। तो ये दोनों ऑपरेशंस के बारे में पता है, दोनों है तो बाइनरी ऑपरेशंस। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को लीजिए आप, उनको आपस में ऑपरेट कीजिए, आपको हमेशा जो एलिमेंट मिलेगा वो किस सेट का मिलेगा, सेट वी का ही मिलेगा। लेकिन ये ऑपरेशन तो कैसा है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और ऑपरेशन डॉट कैसा है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो सेट है वी प्लस डॉट, इस सेट को सेट क्या बन रहा है, दोनों ऑपरेशंस के सापेक्ष क्षेत्र। तो वी प्लस डॉट क्षेत्र एफ प्लस डॉट पर सदिश समष्टि कहलाता है यदि यह निम्न अभिग्रहितों का पालन करे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से अभिग्रहित हैं, सबसे पहला आपका फर्स्ट अभिग्रहित है V प्लस, कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए,
ठीक है। अबेलियन ग्रुप होने के लिए भी कितनी प्रॉपर्टीज का पालन होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप किस ऑपरेशंस के सापेक्ष आपको चेक करना है, यहाँ पे अबेलियन ग्रुप की भी खासियत है कि यहाँ पे अबेलियन ग्रुप जो बन रहा है वो किस बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष बन रहा है। तो ध्यान रखना, वेक्टर स्पेस में हमेशा जो भी अबेलियन ग्रुप बनेगा वो किसके सापेक्ष बनेगा? प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये प्लस साधारण योग नहीं है, ये जो प्लस है ये साधारण योग नहीं है। ये कौन सा योग है? ये सदिश योग है। कौन सा है? ये सदिश योग है। और साधारण योग कौन सा है? ये साधारण योग हो गया आपका, ठीक है भाई। इसी प्रकार ये जो डॉट है, ये डॉट कैसा है? ये डॉट है आपका सदिश गुण, सॉरी ये डॉट है आपका अदिश गुणन, ठीक है भाई। ये डॉट कैसा है? अदिश गुणन। और ये डॉट कैसा है? सामान्य गुणन, ठीक है भाई। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका है कि ये प्लस तो कैसा है? सदिश योग। कहने मतलब है जिन भी दो एलिमेंट्स के मिड में ये सिंबल आ जाए तो आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों क्या हैं? वेक्टर। और जिनके बीच में ये सिंबल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हैं? कोई ना कोई नंबर, ठीक है। इसी प्रकार ये जो डॉट है, ये डॉट क्या है? अदिश गुणनफल। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीपल हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। जबकि इस डॉट का मीनिंग क्या है? कि कोई भी दो संख्याएं आपस में मल्टीपल हो रही है। तो ये आपको समझ में आ चुका कि सदिश योग क्या होता है, साधारण योग क्या होता है, अदिश गुणन और सामान्य गुणन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, बी प्लस कैसा ग्रुप होना चाहिए? अबेलियन। अबेलियन होने के लिए 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी है आपकी संवृत गुणधर्म, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि इस सेट वी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उन दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करने के पश्चात नया एलिमेंट भी किसका होना चाहिए? सेट वी का होना चाहिए। तो ये सेट वी क्या कहलाता है? संवृत समुच्चय, ठीक है। ये सेट वी क्या कहलाता है? संवृत समुच्चय। और ये गुणधर्म क्या कहलाता है? संवृत गुणधर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी है वी प्लस आर को अबेलियन ग्रुप होने के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है कि साचर्य गुणधर्म का पालन होना चाहिए। कौन से गुणधर्म का पालन होना चाहिए? साचर्य गुणधर्म का। साचर्य गुणधर्म का मीनिंग समझो कि आपने सेट वी के कोई भी तीन आर्बिटरी एलिमेंट लिए, सेट वी के कोई भी तीन आर्बिटरी एलिमेंट v1, v2, v3 लिए और ये इस प्रकार से हैं कि v1 को v2 से ऑपरेट करो, फिर उसके बाद v3 से, या फिर ऐसे करो v2 को v3 से ऑपरेट करो और फिर इसको किससे ऑपरेट करो? v1 से। तो दोनों कंडीशंस में रिजल्ट कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड का जो आपकी कंडीशन है वो क्या है? तत्समक अवयव का अस्तित्व। थर्ड क्या है? तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है। अब देखो सेट वी पे कैसा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है? प्लस। तो आप कह सकते हो सेट वी के किसी भी आर्बिटरी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू वी इस प्रकार होगा कि इस एलिमेंट जीरो को अगर आप वी में जोड़ते हो, या फिर आप कह सकते हो इस एलिमेंट जीरो की आप वी से संक्रिया लेते हो तो भी आपको कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए? तो भी आपको वी मिलना ही चाहिए। इनको आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करा सकते हो। वी का वी को आप जीरो से ऑपरेट कर सकते हो या फिर जीरो से आप वी को ऑपरेट करो। तो दोनों ही कंडीशंस में रिजल्ट्स क्या मिलना चाहिए आपको? सेम मिलने चाहिए। जहाँ पे ये जीरो क्या है? ये जीरो है योग का तत्समक अवयव। और ये प्रॉपर्टी क्या है? तत्समक अवयव का अस्तित्व। फोर्थ कंडीशन देखो, फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? फोर्थ जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। फोर्थ कंडीशन कौन सी है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। अब देखो इसका अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व का अकॉर्डिंग कि आप सेट वी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लो, स्मॉल वी, तो इस स्मॉल वी के लिए इसी सेट में एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? माइनस वी। और कैसा एग्जिस्ट होना चाहिए कि वी की संक्रिया आप माइनस वी से लो या माइनस वी की संक्रिया वी से कराओ तो आपको हमेशा कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए? जीरो या योग का तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी अबेलियन, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अबेलियन या क्रम विनिमेयता।
लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्रम विनिमेयता। ठीक है, इसका कोडिंग क्या है? इसका कोडिंग आप ये कह सकते हो कि सेट वी के कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट लो, वी वन और वी टू, उन दोनों को आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट कर लो, हमेशा आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये आपके वेक्टर स्पेस के फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है कि वी प्लस कैसा ग्रुप हो? अबेलियन ग्रुप हो। सेकेंड देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि ईच वी बिलोंग्स टू वी, मतलब सेट वी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट, और ईच एल्फा बिलोंग्स टू एफ की सेट एफ का कोई भी एलिमेंट एल्फा, अगर इन दोनों की संक्रिया कराई जाए तो एल्फा डॉट वी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट वी का एलिमेंट होना चाहिए। और आप इस अकॉर्डिंग देखते हो तो ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है? ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है तो सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है? डॉट के सापेक्ष संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड देखिए, थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है अदिश योग परबंटनता। ठीक है, या आप ऐसे थर्ड ले लीजिए अदिश गुणन की बंटनता, ये मान लीजिए थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? अदिश गुणन की बंटनता। इसके लिए आपको क्या सिद्ध करना होगा कि आप एक स्केलर लीजिए कोई सा भी अल्फा, और सेट वी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए वी वन और वी टू। कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं सेट वी के, जरूरी नहीं है कि आप फिक्स करो, कोई से भी दो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सेट वी के कोई दो एलिमेंट लो और आप उनको इस प्रकार ऑपरेट कर पा रहे हो कि अल्फा डॉट वी वन प्लस वी टू बराबर अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू। ठीक है, आपके जो थर्ड प्रॉपर्टी है अदिश गुणन की बंटनता, इसका अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि सेट एफ का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लो अल्फा, ठीक है, और सेट वी के कोई दो आर्बिटरी एलिमेंट लो वी वन और वी टू। अगर आप उनको इस प्रकार ऑपरेट कर पा रहे हो कि अल्फा डॉट वी वन प्लस वी टू बराबर अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू, ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस में रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप कह सकते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है? अदिश गुणन की बंटनता का पालन कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है अदिश योग पर बंटनता। कौन सी है? अदिश योग पर बंटनता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें करना क्या है आपको, अगेन क्या करना है, सेट एफ का एक एलिमेंट लेना है अल्फा, सेट एफ का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लेना है अल्फा, और सेट वी के कोई दो आर्बिटरी एलिमेंट लेने हैं वी वन और वी टू, और वो इस प्रकार से होने चाहिए कि अल्फा प्लस वी वन डॉट वी टू बराबर अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू। ठीक है, आपको क्या करना है, सेट एफ का एक आर्बिटरी एलिमेंट लेना है अल्फा, और सेट वी के कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट लेने हैं। अगर आप उनको इस प्रकार ऑपरेट कर रहे हो कि अल्फा प्लस वी वन डॉट वी टू बराबर अल्फा डॉट वी वन प्लस अल्फा डॉट वी टू, तो आप कह सकते हो कि वी प्लस कौन सी प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है? अदिश योग पर बंटनता का पालन कर रहा है। अब देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी थी ये किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को, या फिर आप कह सकते हो ये किसको शो कर रही है? डॉट के सापेक्ष संवृत गुणधर्म को शो कर रही है। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, दोनों प्रॉपर्टी में आपने सेट एफ के कितने एलिमेंट लिए? एक, और सेट वी के कितने लिए? दो। अब की बार चेंज कर दीजिए, इस बार आप कितने एलिमेंट ले लीजिए? इस बार आप एलिमेंट ले लीजिए सेट एफ के तो दो, और सेट वी के एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी अदिश गुणन के लिए साचर्यता। ठीक है भाई, पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है? अदिश गुणन के लिए साचर्यता। इसमें करना क्या है आपको, दो एलिमेंट लेने हैं आर्बिटरी एफ के, और एक आर्बिटरी एलिमेंट लेना है सेट वी का, और वो किस प्रकार से होने चाहिए? वो होने चाहिए
कि अल्फा डॉट बीटा डॉट वी बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन का, यहाँ पे सिंबल्स में चेंजेस हुआ है। इस बार आपने सिंबल्स में चेंजेस किया है, ये आपको बाद में बता दें क्यों चेंज किया है क्यों नहीं किया है, लेकिन इतना बता देता है कि सेट एफ के जितने भी एलिमेंट होंगे, सेट एफ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर। क्योंकि सेट क्या है, फील्ड। सेट क्या है, फील्ड है, तो कोई ना कोई नंबर्स होंगे, तो ये अल्फा भी नंबर है, ये बीटा भी नंबर है। अब इस स्केलर का किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, वेक्टर के साथ, तो ये क्या बन गया, वेक्टर ही बन गया। फिर इस वेक्टर का किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर के साथ, तो ये भी क्या बन गया, वेक्टर बन गया। लेकिन आपको क्या दिखाना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करना है। तो चाहे आप इनको पहले ऑपरेट करो फिर इसके बाद कर दो, चाहे इन दोनों को पहले ऑपरेट कर लो फिर इसके बाद कर दो, रिजल्ट सेम मिलेगा। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा कोई ना कोई नंबर है, डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा गुणनफल आएगा, साधारण गुणनफल, ना कि सदिश गुणनफल। क्योंकि दोनों के दोनों जो अल्फा बीटा है वो स्केलर है, ना कि वो कोई वेक्टर है। दोनों के दोनों एलिमेंट है अल्फा और बीटा, वो स्केलर है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा चिन्ह आ रहा है, डॉट का चिन्ह, जो कि साधारण योग कहलाता है। फिर इस स्केलर के किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेक्टर के साथ, तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीपल होकर क्या दे देगा, वेक्टर। इधर भी क्या मिल रहा है, वेक्टर, तो दोनों और रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, अदिश गुणन के लिए साच रहता। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, ईच वी बिलोंग्स टू वी के लिए देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू वी सच डैट वन डॉट वी बराबर वी। ठीक है भाई, जो आपके लास्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि इस सेट वी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लीजिए, तो सेट वी के प्रत्येक आर्बिटरी एलिमेंट के लिए इसी सेट वी में एक एलिमेंट ए वन किस प्रकार से एग्जिस्ट होगा कि वन डॉट वी बराबर क्या होगा, वी। कहने का मतलब है वन को आप वी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वन वी ही मिलेगा। जहां पे वन क्या है, जहां वन डॉट का तत्समक अवयव है, जहां पे वन क्या है, डॉट का तत्समक अवयव है। ठीक है भाई, ये आपका वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब देखो भाई, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, नोट फर्स्ट। यदि अब देखो यहां पे एफ प्लस डॉट क्या है, कोई ना कोई फील्ड है। एफ प्लस डॉट क्या है, प्लस और डॉट के सापेक्ष कोई ना कोई फील्ड है। तो फील्ड के कौन कौन से एग्जांपल है, फील्ड का आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, कुछ भी ले सकते हो आप, मैट्रिक्स का भी ले सकते हो एक सेट जिसमें कि सारे नॉन जीरो मैट्रिक्स हों और जीरो मैट्रिक्स भी हों। ठीक है भाई, मैट्रिक्स का जो सेट लोगे उसमें मैट्रिक्स किस ऑर्डर के लेनी पड़ेंगे, उसमें मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी सेम ऑर्डर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एफ है, जो सेट एफ है वो क्या है, फील्ड है। तो इस फील्ड की भी कंडीशन है, यदि F बराबर R है, यदि F बराबर R है तो आप क्या कह सकते हो, V प्लस डॉट क्या कहलाएगा, सदिश समष्टि, V प्लस डॉट वास्तविक सदिश समष्टि कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये वास्तविक सदिश समष्टि कहलाता है। ठीक है, अब C प्लस डॉट क्या है, ये भी क्षेत्र है, C प्लस डॉट क्षेत्र है, तो आप कह सकते हो यदि F की जगह, यदि F की जगह आपने C ले लिया, ठीक है, F की जगह आपने क्या ले लिया, C, तो V प्लस डॉट क्या कहलाएगा, V प्लस डॉट सम्मिश्र सदिश समष्टि कहलाता है, सम्मिश्र सदिश समष्टि कहलाता है। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो चुका। और एक दो नोट्स और लिख लो, थर्ड, वी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, समुच्चय वी के अवयव, समुच्चय वी के अवयव सदिश, समुच्चय वी के अवयव सदिश, तथा समुच्चय एफ के अवयव क्या कहलाते हैं, एफ के अवयव अदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप नोट कर सकते हो, जिन्होंने नहीं समझ आया तो आप एक बार नोट करके और फिर उसके बाद इसको समझ सकते हो।
ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो गया डेफिनेशन, और साथ के साथ कुछ नोट्स थे वो भी कंप्लीट हो गए कि वेक्टर स्पेस वास्तविक सदिश समष्टि कब कहलाएगा, सम्मिश्र सदिश समष्टि कब कहलाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इस क्षेत्र या तो आर प्लस टोट हो या क्षेत्र कौन हो, सी प्लस टोट, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या तो, या फिर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कंप्लीट है ये। आपका एग्जाम्पल नंबर वन, बुक का एग्जाम्पल नंबर वन है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V बराबर A0